मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो सब कुछ बदल गया था। नक्सलियों ने कहा था कि अब हमारी सरकार सत्ता में है, लेकिन जैसे ही बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई, अब उन्हें डर सताने लगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई संस्थाएं भाजपा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और इसका नतीजा हाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। देखिए, चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी की गारंटी चुनावी घोषणा पत्र लाए, जिसमें सभी वर्गों का हित का चिंतन करते हुए मोदी की गारंटी बनाए हैं, और उसमें और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी आए छत्तीसगढ़, और उन्होंने कहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सबसे पहला काम होगा कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख मकानों से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनको उनका हक दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि पहले ही शपथ के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख मकान की स्वीकृति हो, 18 लाख लोगों को उनका हक मिले, उनका पक्का का मकान मिले, इस पर निर्णय हम लोग पहले ही कैबिनेट की बैठक में ले लिए हैं और आने वाले समय उनको पक्का का मकान मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद से डटकर मुकाबला किया है, 15 वर्षों में भी यहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो स्थिति बदल गई। नक्सली लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि अब तो हमारी सरकार आ गई, और नक्सलवाद से जो पिछली सरकार थी उसकी लड़ाई बहुत कमजोर थी, अब वो हमारी सरकार फिर से आ गई है तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और अब नक्सली से बौखला गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी, एक्शन होगा, और इसलिए वारदात के पास से कट जाता है, राष्ट्रवाद से वो कट जाता है। और कहीं ना कहीं अनेकों संस्थाएं लगी हैं राष्ट्रवाद को और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए, आदरणीय मोदी जी को कमजोर करने के लिए, और इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। जनता वो समझ भी चुकी है, और इसलिए अभी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जीत